आज मैं लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल के सामने हूँ। देखो ये बॉयज हॉस्टल से सच ए ब्यूटीफुल कैंपस हॉस्टल से ये बाहर का नजारा, इसके सामने देखिए नज़ारा देखिए, ये उनका हैंगआउट प्लेस है ये लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज का। मैं बॉयज हॉस्टल का अंदर अभी जाऊँगा, रूम दिखाऊंगा, टू सीटर भी है थ्री सीटर है, मैं एक रूम कम से कम। ये उनका लुक, ये बाहर का लुक है देखिए, ये आई कैन गर्ल्स हॉस्टल से कनेक्टेड, आई कैन शो यू हॉस्टल्स लाइक नो यू फील लाइक, ये उनका हॉस्टल ऊपर जाएंगे आप हॉल टाइप का सब रूम से एक फ्लोर में आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स हॉस्टल्स जो है यहाँ पे हाईली सिक्योरिटी टाइल्स एंड ऑल ओवरऑल दिख रहा हूँ, नीट एंड क्लीन है सब। नॉर्मली बॉयज हॉस्टल्स में नीट एंड क्लीन होता नहीं है, बट यहाँ पे ऑलरेडी लाइक दिस पूरा हॉल्स इंडिया की तरह है, जैसे पूरा ये हॉल्स है, देखे ये पूरा हॉल्स है। हम लोग शाम के टाइम है इसलिए अंधेरा है। आई कैन शो यू द रूम्स, एक रूम में इंटरनल दिखाऊंगा बॉयज हॉस्टल्स का। नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता है मैं बॉयज हॉस्टल देखना चाहता हूँ कैसा है। सेम पैटर्न में है, हम अभी टॉप फ्लोर में जाएंगे, कोई एक रूम देखेंगे अगेन सेम है। देखिए बॉयज हॉस्टल्स का ये पूरा है, एक रूम में आपको दिखाऊंगा। हॉस्टल के रूम दिखाएंगे आप लोगों को अभी डियर स्टूडेंट्स, सो दैट यू गेट टू नो द एक्चुअल रूम कैसा है यहाँ का। आते हैं हम, देखिए हॉस्टल का बालकनी इतना मतलब ग्रीन ग्रीन लगता है। देखिए मैं हॉस्टल्स का जो बालकनी का व्यू है, देखो ये पूरा डिटेल देखे, देखिए ये हॉस्टल बाहर का व्यू देखिए, ये मंदिर है, ये हेलीपैड है, ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल्स, ये है वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस। देखिए ये गर्ल्स हॉस्टल्स है, ओवरऑल पूरा पहाड़ी इलाके बना हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो हॉस्टल नेपाली स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल हॉस्टल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेपाल जो नेपाल स्टूडेंट्स इस बिल्डिंग में रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना बड़ा कैंपस है, हम हाईली सेटिस्फाइड विद ऑल दिस। एक बार रूम दिखाएंगे आप लोग, ये नेपाली स्टूडेंट्स का कैंपस रहते हैं नेपाल में, इसी हॉस्टल में रहते हैं जिस हॉस्टल में अभी खड़ा हूँ यहाँ पे। हॉस्टल का व्यू में दिखा रहा हूँ, ये कैंपस का ये बैक साइड है, ये लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है एवरीथिंग है। जी हम दिन हमें रूम दिखाते हैं, आइए अभी हम थ्री सीटर्स में ही जाएंगे अभी। ये थ्री सीटर्स रूम से राइट, थ्री सीटर्स रूम से अभी स्टूडेंट से कुछ पूछेंगे। तो बैठना है महेश, बैठो एक बार। हम एक बेसिक क्वेश्चन हमारे पूछेंगे, बैठो ना, बैठो 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 इधर बैठो बैठो। हाउ डू फील अबाउट हॉस्टल में रहते हो, अबाउट हॉस्टल लाइफ कैसा है? हॉस्टल लाइफ अच्छा है, हॉस्टल अच्छा है, इंडिया से बड़े कमरे हैं यहाँ पे। ओके, मैं खुद देख रहा हूँ फैसिलिटीज हैं हॉस्टल, हॉस्टल के हिसाब से फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यहाँ पे, इंडिया के हिसाब से भी हॉस्टल यहाँ बड़े हैं और लाइट वेट की सारी सुविधा अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हॉस्टल का जो फूडिंग को लेकर क्या फील करता है हॉस्टल्स का? फूडिंग तो अब थोड़ा सा मतलब अच्छा ही है यहाँ पे, जो और कंट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि इंडियन जैसा कल्चर है तो फूडिंग ठीक है, अच्छी है यहाँ पे, और खाने के लिए काफ़ी मतलब अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं इंडिया का, जैसे मैगी वैगी सब यहाँ पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को। तो ओवरऑल हॉस्टल लाइफ आप लोग काफ़ी खुश हो? हाँ हाँ, हम लोग खुश हैं, हॉस्टल लाइफ तो एकदम बढ़िया है। तो ग्रेट ग्रेट, तो दिस इज ऑल अबाउट हॉस्टल्स लाइफ, आई मीन बॉयज हॉस्टल पता है, पर फिर भी आप लोग थोड़ा नीट एंड क्लीन मेंटेन किए हो। नॉर्मली मैं इंडिया में काफ़ी हॉस्टल्स देखा हूँ इंक्लूडिंग IITs ऑल्सो, स्टिल ऐसे ही पढ़ा जाता है, टाइम ही नहीं मिलता उनको पढ़ाई करने के लिए। दिस इज रियली आई मीन लाइक नो ओवरऑल हॉस्टल को देखा जाए हम क्वाइट सेटिस्फाइड ओवरऑल। दिस इज ऑल अबाउट लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल्स, थैंक यू।